हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वहीं बात करता हूँ टाटा आईपीएल 2023 मैच नंबर 57 मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। यह मुकाबला फ्राइडे 12 मई को शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी। तो बात करते हो आईपीएल 2023 का, हालांकि अंतिम चरण भी शुरू हो चुका है। शुक्रवार फ्राइडे को डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और 5 बार आईपीएल का खिताब उठाने वाला टीम मुंबई इंडियंस का आमना सामना होगा। तो ये दोनों टीम दूसरी बार भिड़ने जा रही हैं। हालांकि बात करते फ्रेंड्स, तो ये गुजरात टाइटंस की टीम 16 अंकों के साथ पहले नंबर पर भी है, तो ये मुंबई इंडियंस की टीम 12 अंकों के साथ 3 नंबर पर है, यानी कि दोनों टीमों के बीच कुल 4 अंकों का फासला भी है। तो ये फ्रेंड्स बात करने वाले हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट्स, बोर्ड टीम प्लेइंग 11, इंपैक्ट प्लेयर, मैच प्रिडक्शन यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ये फ्रेंड्स पहले बात करते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड। हालांकि गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 2 ही बार आमना सामना हुआ है। तो वही गुजरात टाइटंस की टीम एक मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, तो मुंबई इंडियंस की टीम भी एक मुकाबले में जीत हासिल की है, यानी कि दोनों ही टीमों ने बराबर बराबर बाजी भी मारी है। तो ही फ्रेंड्स अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट्स की। हालांकि यह मुकाबला वानखेड़े की पिच पर खेला जाएगा। वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी कारगर भी होता है। इस पिच पर बरसात से ज्यादा रन भी बरसते हैं। वानखेड़े के पिच पर आईपीएल के 107 मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। तो ही फ्रेंड्स बात कर दो, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 49 मुकाबले जीती है, तो ही टारगेट का चेस करने वाली टीम 58 मुकाबले बाजी मारी है। तो ही फ्रेंड्स बात कर दो, इस पिच का औसत स्कोर भी 187 रन है। इस मैदान पर हुए पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 199 रन का बड़ा टारगेट भी 16.3 ओवर में आसानी से चेज भी कर लिया था। वहीं फ्रेंड्स बात करो तो इस पिच पर टॉस जीतकर सभी टीम पहले गेंदबाजी ही करना पसंद करती हैं, क्योंकि इस पिच पर रन चेज करना भी बहुत ही आसान होता है। तो ही फ्रेंड्स अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। हालांकि पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। तो ही पहले नंबर पर रोहित शर्मा कप्तान है, तो ही दूसरे नंबर पर ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर है, तो ही तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव बैट्समैन है, चौथे नंबर पर कैमरून ग्रीन है, हालांकि पांचवे नंबर पर बैट्समैन तिलक वर्मा है, तो ही छठवे नंबर पर बात करते हो टिम डेविट है, हालांकि सातवें नंबर पर नेहल वडेरा है, आठवें नंबर पर जैसन बहरन डॉफ है, नौवें नंबर पर स्पिनर बॉलर पीयूष चावला है, दसवें नंबर पर फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर है, तो ग्यारहवें नंबर पर अरशद खान है। यह फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। अब वही बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर, हालांकि अलजहरी जोसेफ है। तो यह है फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर, जो कि अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस टीम का सामना करने उतरेगी मैदान पर शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। हालांकि पहले नंबर पर विकेट कीपर रिद्धिमान साह है, तो दूसरे नंबर पर बैट्समैन शुभमन गिल है, तीसरे नंबर पर बैट्समैन विजय शंकर है, चौथे नंबर पर ऑलराउंडर कप्तान हार्दिक पांड्या है, पांचवें नंबर पर बैट्समैन डेविड मिलर है, छठवें नंबर पर बैट्समैन राहुल तेवतिया है, सातवें नंबर पर अभिनव मनोहर है, आठवें नंबर पर ऑलराउंडर राशिद खान है, तो वही नौवें नंबर पर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी है, दसवें नंबर पर फास्ट बॉलर मोहित शर्मा है, ग्यारहवें नंबर पर स्पिनर बॉलर नूर अहमद है। यह फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। वही बात करते हैं गुजरात टाइटंस के इंपैक्ट प्लेयर, हालांकि जोशुआ लिटल है। यह फ्रेंड्स दोनों टीमों की प्लेइंग 11, जो कि 12 मई को शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर मुंबई के होम ग्राउंड पर दोनों ही टीमों के बीच कड़ाके की टक्कर होने वाली है।
अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की, यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि फ्रेंड्स दोनों टीमों के आंकड़े भी देखा जाए तो बराबर बराबर भी बाजी मारी है। हालांकि फ्रेंड्स ये मैच इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि इसमें ज्यादा चांस है गुजरात टाइटंस की टीम को जीतने की। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।